नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा, कृषि बिल को लेकर काले कानूनों के खिलाफ हम सब ने लंबी लड़ाई लड़ी। किसानों को आतंकवादी तक करार दिया गया। सरकार को किसानों के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। सचिन यादव ने कहा, जब तक सदन में कानून वापस नहीं होगा आंदोलन जारी है। सचिन यादव ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। ऐसे मुखिया जो तानाशाह की तरह हमें देखने को मिले। हमारे कई किसान भाइयों की शहादत हुई, कई किसान भाइयों की मौत हुई। भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी थी जो किसान भाइयों को इतना लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पर भारतीय जनता पार्टी ने ना लोकतंत्र की चिंता की, ना ही सिद्धांतों की चिंता की, जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। आगामी देश में होने वाले 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए समीकरण निकाले जा रहे हैं कि जनाधार खिसकता देखकर इस प्रकार के फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं केंद्र सरकार को। देखिए, पूरे देश का पूरा देश जानता था, पूरे देश के किसान जानते थे कि ये जो काले कानून जो लागू किए जा रहे हैं, ये जो काले कानून बनाए हैं, ये काले कानून हमारे देश के मुखिया के सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको राहत पहुंचाने के लिए तीनों काले कानून लागू किए गए थे। इन काले कानूनों से ना तो देश का किसानों का कोई भला होने वाला था, ना ही उनका उत्थान और कल्याण होने वाला था। ये बात हमारे देश के किसान साथी अच्छी तरीके से समझ चुके थे, जान चुके थे, और उसी का परिणाम था कि हमारे किसान साथियों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लगभग 1 साल से अधिक का समय जो है दिल्ली की बॉर्डरों पर बैठ करके संघर्ष करके आंदोलन करके सरकार को लगातार संदेश देने का काम किया, सरकार को लगातार मजबूर करने का काम किया, और ये उन्हीं के साहस का नतीजा था, उन्हीं के उन्हीं का प्रयास था कि देश के मुखिया को आखिरकार एक लंबे समय के बाद देश के किसानों की आवाज़ को सुनना पड़ा, समझना पड़ा, और इन काले कानूनों को वापस लेने का काम करना पड़ा। देश में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा, देखिए, क्रेडिट लेने की तो कोई प्रश्न नहीं उठता, क्रेडिट लेने का सवाल ही नहीं उठता है। ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी थी, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी थी कि देश के किसानों को इतना लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लंबे समय तक आंदोलन करना पड़ा, और इस संघर्ष में जिस प्रकार से हमारे किसानों की शहादत हुई, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ना लोकतंत्र की चिंता करी, ना प्रजातंत्र की चिंता करी, जिन सिद्धांतों जिन मूल्यों पर हमारा देश टिका हुआ था, और देश के इतिहास में ऐसे कई अवसर जो है देश के सामने आए हैं जहां पर बातचीत के माध्यम से एक सकारात्मक माहौल, पक्ष और विपक्ष को साथ में रख करके वाद संवाद के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने का काम किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी रही, ये इन सिद्धांतों पर, उन मूल्यों पर विश्वास नहीं रहा। एक तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनके मुखिया के हमको देखने को मिला, और उसी का परिणाम रहा कि इतना लंबा संघर्ष हमारे किसान को, आंदोलन हमारे किसानों को और हमारे अन्नदाताओं को करना पड़ा। लगातार देश की जनता की, आम लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा था, उनकी आवाज़ को अनसुना करने का काम किया जा रहा था। अभी पिछले दिनों जो देश में उपचुनाव संपन्न हुए हैं, उन उपचुनाव में जिस प्रकार से देश की जनता ने अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने का काम किया, एक आईना दिखाने का काम देश की सरकार को करा, जिसका परिणाम ये हुआ कि देश की सरकार को पेट्रोल और डीजल पर की कीमतें कम करने का काम किया गया, और साथ ही साथ जो आने वाले जो 5 चुनाव हैं, इन 5 चुनाव में जो एक संभावित हार जो है भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित हार भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही है, एक जन आक्रोश जो दिखाई दे रहा है, उसी का परिणाम है कि सरकार को मजबूर होना पड़ा, विवश होना पड़ा, और ये काले कानून सरकार को वापस लेना पड़ा। भाजपा के कृषि कानून जो है वो वापस लिए जाएंगे। देखिए, ये जीत हमारे देश के किसानों, देश के अन्नदाताओं की जीत है। ये जीत उन तमाम किसान साथी जो एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, इस संघर्ष और इस आंदोलन के दौरान लगभग 600 से अधिक किसान साथियों ने शहादत दी, बलिदान दिया, त्याग दिया, ये उन्हीं के त्याग का परिणाम है कि देश के एक अहंकारी प्रधानमंत्री, देश के एक तानाशाही प्रधानमंत्री को अपने कदम पीछे लेने पड़े और इन
तीनों काले कानूनों को वापस लेने का निर्णय और फैसला लेना पड़ा। क्या ये खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।